प्यारे देशवासियों, मैं आज़ादी की 37वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज के दिन हमें अपने उन देशवासियों की याद आती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। हम उनके बड़े एहसानमंद हैं। हम उन सभी देशभक्तों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने बड़ी निष्ठा और हिम्मत के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज़ादी के संघर्ष के दिनों में और आज़ादी के बाद के वर्षों में भी हमें बड़े बुद्धिमान और दूरंदेश नेताओं का मार्गदर्शन मिला और एक संगठित, मजबूत तथा प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद रखी गई। हमारे राष्ट्र ने इतने अच्छे नेता पैदा किए जिनकी वजह से हमें एक ऐसा संविधान दिया गया जो प्रेम, शांति और सद्भावना की हमारी ऐतिहासिक मान्यताओं और परंपराओं तथा देश की स्थितियों के अनुकूल है और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। आज़ादी के बाद के 37 वर्षों में हमें शानदार कामयाबियां हासिल हुई। देश में लोकतंत्रीय जीवन प्रणाली की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी और हमने आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत भारी कामयाबी हासिल की है और अनेक बाधाओं का सामना करते हुए ये सफलता प्राप्त करते हुए हमें देश की जनता की लगन और उसके पक्के इरादे का जीता जागता सबूत मिलता है। फिर भी हमें अपने देश की जनता को मुकम्मल आर्थिक और सामाजिक मुक्ति दिलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीतिक प्रणाली में अंदरूनी और बाहरी विघटनकारी ताकतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का बड़ी कामयाबी के साथ मुकाबला किया है। हाल ही में पंजाब में कुछ दुखदायी घटनाएं घटी हैं। 17 जून को मैंने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन बातों का जिक्र किया था जिनकी वजह से वहाँ ऐसे वाक़यात हुए और इस बात पर जोर दिया था कि परंपरागत सद्भावना और भाईचारे को फिर से तुरंत स्थापित करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कुछ गुमराह लोग देश के कुछ दूसरे भागों में भी अशांति पैदा कर रहे। हमारा परम कर्तव्य है कि हम इन विघटनकारी ताकतों को देश के लोगों को गुमराह करने का मौका ना दें। भारत की आज़ादी देश के मुख्तलिफ धार्मिक विश्वासों और मतमतांतरों को मानने वाले सभी भारतवासियों की मजमूई कोशिश का नतीजा है। अभी भारतवासी, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहने वाले हों और कोई भी भाषा बोलते हों, महात्मा गांधी और हमारे दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की पुकार पर बड़ी हिम्मत और जोश के साथ उठ खड़े हुए थे। इस प्रकार हमारी आज़ादी किसी एक ही वर्ग या समुदाय की नहीं
बल्कि एक सामूहिक संपत्ति है जिसको हासिल करने में हमारे देशवासियों ने भारी त्याग किया था। अब उसकी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हम सभी देशवासियों के ऊपर आती है। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है, जिस पर हमारा गर्व करना स्वाभाविक है। भारत में एक मजबूत और ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिसका श्रेय बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई हमारी योजनाओं हम और हमारे देश के लोगों की मेहनत को जाता है। इसी के बल पर हमारे देश को कृषि की उपज में बहुत बड़ा बढ़ावा हुआ और इस दर को कायम रखने में भी सफलता मिली। मुझे इस बात पर बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश में 1983-84 में 1510 लाख मीट्रिक टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 17% ज़्यादा है। देश में औद्योगिक ढांचा तैयार हो जाने के कारण भारत अब संसार का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। योजनाओं की कुशलता से उनकी शुरुआत में से ही जो वैज्ञानिक आधार देश में तैयार हुआ उसका लाभ अब हमें मिलने लगा है। भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी, परमाणु विज्ञान, अंतरिक्ष और सागरी विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में लगातार उन्नति कर रहा है। हमें इस रफ्तार को कायम रखना होगा ताकि हम लोगों के रहन सहन को, उनके जीवन के दर्जे को ऊंचा उठा सकें। हमें निर्धनता, भूख, अज्ञान और बीमारी को भी जड़ से मिटाना होगा। यह हमारा सबसे अहम काम है और हमें इस मामले में देरी करने गफलत की निशानी होगी। हिंसात्मक आंदोलनों और आतंकवादी गतिविधियों से हमारी इन कोशिशों में किसी भी रुकावट से हमारी तरक्की की रफ्तार रुक जाएगी, देश कमज़ोर हो जाएगा और गरीबी दूर नहीं हो सकेगी। कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे आर्थिक विकास रुकता हो, अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी होती हो, ज्ञान विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। हिंसा कमज़ोरी की निशानी है, शक्ति और बुद्धिमानी की नहीं। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम सच्चाई, प्रेम, दया और शांति के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे और उन पर हमारे सिद्धांतों में किसी किस्म का रोकथाम या किसी किस्म की रुकावट नहीं आए, जिनका भारत हमेशा समर्थन करता रहा है। देश को शांति, तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाने के इस महान कार्य को पूरा करने में हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इस दिशा में पूरी पूरी कोशिश करेंगे और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रहनुमाई कर रहा है।
संसार में एक उचित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम करने और राजनीतिक तनावों को कम करने की दिशा में भारत की कोशिशें लगातार जारी हैं। सरकार पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के संबंध मजबूत बनाने और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करके इलाकाई सहयोग बढ़ाने के काम में लगी हुई। इसी वर्ष अप्रैल में मैंने मेक्सिको और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय भ्रमण किया था और इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ तबादला ख्यालात किया था। अर्जेंटीना से लौटते समय मैं कुछ देर के लिए पेरू में भी रुका था और मैंने पेरू के राष्ट्रपति के साथ आपसी हितों के मामले पर मैत्रीपूर्ण बातचीत की थी। भारत के किसी राष्ट्रपति की लैटिन अमेरिका में राजकीय यात्रा नहीं हुई थी। भाषा की बाधाओं और भारत से बहुत अधिक दूरी के बावजूद इन देशों में जिस गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया गया वह इस बात की निशानी है कि इस क्षेत्र में भारत के प्रति बहुत अधिक सद्भावना मौजूद है। परमाणु हथियारों की होड़ से मानवता के वजूद को खतरा पैदा हो गया है। सभी राष्ट्रों के लिए यह जरूरी है कि वो महसूस करें कि आज़ादी और लोकतंत्र के जरिए वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भय को एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संसार में ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत है जहां बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को डराएं धमकाएं नहीं और छोटे देश बड़े देशों से किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। फिर भी इसकी जिम्मेदारी बहुत कुछ बड़ी ताकतों पर ही होती। सभी देशों को अपनी नीतियों का पालन करने और अपनी किस्मत को खुद बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर प्राणी मात्र में प्रतियोगिता की भावना होती और यही बात हर एक राष्ट्र पर भी लागू होती है। परंतु अगर कोई देश इस प्रतियोगिता में विजयी होने की कोशिश करता है तो भले ही करे, मगर उसका दूसरे राष्ट्रों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनसे दिल में पराजय की भावना पैदा हो। अगर संसार में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सकती है और मानवता के सर्वनाश का जो खतरा पैदा हुआ है उसे मुस्तकिल तौर पर दूर किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि किसी तहजीब की खूबियों की परख इस बात से की जाती है कि उसमें अकलियतों और स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। भारत में इन दोनों ही वर्गों के प्रति व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है और इनके लिए अपनी योजनाओं के अनुसार उन्नति करने के पूरे पूरे अवसर मौजूद हैं। यहाँ अल्पसंख्यकों को बहुमत के समान अधिकार हासिल हैं। स्त्रियाँ राजनीति, कानून, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार, उद्योग तथा दूसरे सभी क्षेत्रों में
ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंची हैं और कामयाब हुई। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही। अभी हाल ही का एक उदाहरण सबके सामने है कि एक भारतीय महिला एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई है। हमारी सेनाओं में देश के सभी भागों के रहने वाले, अलग अलग मतांतरों को मानने वाले और मुख्तलिफ भाषाएं बोलने वाले लोग शामिल हैं। वे सभी देश प्रेम और अनुशासन की भावना से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए उनकी सराहना करता है और उन्हें बधाई भी देता है। मैं इस वर्ष की 3 अप्रैल की उस ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र करता हूँ, जब हमारी वायु सेना के एक अफसर ने अंतरिक्ष यात्रा की और इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इन शब्दों के साथ मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे देश की उन्नति, मजबूती, एकता और अखंडता के लिए लगातार काम करें। जय हिंद।